नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आजकल एक क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो हमारे कबूतरों के बच्चे हैं उनको पॉक्स हो गया है, उनके जो शरीर है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोड़े फुंसी टाइप हो चुके हैं, तो हमें इसका इलाज कैसे करना है। मेरा जो मानना है भाइयों कि कबूतर की बीमारी का इलाज करने से बेहतर है कि उस बीमारी से कबूतरों को बचाया जाए। फिलहाल आपको मैं अपने कबूतरों के बच्चे दिखाता हूँ। देखिएगा, किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी पॉक्स का दाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैंने अपने जाल पे किसी भी तरह की मच्छर जाली नहीं लगा रखी। वो भी मैं आपको वीडियो में शो करूँगा, पहले आप बच्चे देख लीजिएगा। बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे हों, कोई भी आपको एक दाना दिखाई नहीं देगा। और ये भी नहीं कि मैंने अपने लॉफ्ट में कोई ऑल आउट वगैरह लगा रखा है, क्योंकि मच्छरों से ये पॉक्स नहीं होती। लोग कहते हैं कि भाई मच्छरों के काटने से कबूतरों में ये पॉक्स की बीमारी आ जाती है, मच्छर केवल इस बीमारी को फैलाने का काम करता है। आप देखिएगा मेरे लॉफ्ट में काफ़ी बड़ी जाली लगी हुई है और एक लाइट है, कहीं भी आपको ऑल आउट वगैरह या कोई भी मच्छर भगाने का स्रोत नहीं दिखाई देगा। तो चलिए फिलहाल मैं आपको इसका इलाज बता देता हूँ कि आपको इसका इलाज कैसे करना है। भाइयों, पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए आपको किन किन सामान और किस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बर्तन ले लेना है, कोई भी बर्तन ले लीजिए। मेरे पास ये कप है स्टील का, आप चाहें तो कटोरी ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये कॉटन ले लेनी है, रुई छोटे छोटे टुकड़े ले लें, 3-4 इस तरह के बना लें आप। मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले जो मेडिसिन आपको लेनी है वो है ये बोरिक एसिड, ये आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा आसानी से। दूसरी मेडिसिन आपको अपनी वीडियो स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, कोट्राइमोक्साजोल के नाम से ये टेबलेट आएगी। मेन जो सॉल्ट है वो मैं सॉल्ट का पिक आपकी वीडियो स्क्रीन पर लगा दूंगा। ये सॉल्ट ज़रूर होना चाहिए क्योंकि टेबलेट हर जगह पर अलग अलग नामों से आती हैं, सॉल्ट मायने रखता है। तो सॉल्ट का आपको स्क्रीनशॉट अपनी वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह की टेबलेट होती हैं। तीसरी जो मेडिसिन है आपको ये क्रीम ले लेनी है, सिप्लाडिन मिल जाए आपको या बीटाडिन मिल जाए, दोनों में से कोई सी भी आप ले लीजिएगा, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा असरदार हैं। तो अब आपको ये मेडिसिन अपने कबूतरों पर अप्लाई कैसे करनी है वो समझ लीजिएगा। हमारे पास जो पानी का बर्तन हमने लिया था, मेरे पास जैसे ये कप है, उसमें आपको सादा पानी भर लेना है, लगभग 100 ml सादा पानी भर लीजिएगा। 100 ml पानी में आपको बोरिक एसिड की करीब 10 चुटकी डाल देनी है और अच्छी तरह से उस पानी को सेक कर लेना है। अब करना यह है, जो आपके पास कॉटन है रुई, उस रुई को उस पानी में डिप कर दें, 5-10 सेकंड उसे डूबा रहने दें। उसके बाद रुई को निकालिए और कबूतर को पकड़िए, जिस कबूतर का आपके पॉक्स हो रहा है उसके पॉक्स को इस रुई से सफाई करिए अच्छी तरह से, जो पॉक्स के आसपास एक ममाद जम जाता है उस तरह से अच्छी तरह सफाई करिए। मेरे पास अभी कबूतर है नहीं कोई पॉक्स वाला, नहीं तो मैं आपको करके ज़रूर दिखाता। अच्छी तरह से इस कॉटन से साफ़ करिए, जो आसपास की गंदगी है वो साफ़ हो जानी चाहिए, कबूतर के पॉक्स के आसपास जो गंदगी होगी। उसके बाद ये आपको सिप्लाडिन ट्यूब अपनी उंगलियों पे लेना है और जहाँ जहाँ कबूतर के पॉक्स हो रही है वहाँ उसको हल्के हाथ से उसके पॉक्स वाली जगह पर लगा देना है, जहाँ भी हो रहा हो, पैरों में, चोंच पर या पर कहीं भी हो रहा हो, आप अच्छी तरह से मल दीजिए इस ट्यूब को। अब आपको उस कबूतर को ये टैबलेट देनी है, टैबलेट देनी कैसे है वो आप समझें। अगर आपका कबूतर अपने आप फीड कर रहा है यानी अपने आप चुग रहा है तो आप कबूतर को दाना चुगाइए। दाना चुगाने के बाद इस गोली के आपको कर लेने हैं 8 टुकड़े, एक टुकड़ा आपको दाना चुगाने के बाद सुबह देना है और एक टुकड़ा आपको दाना चुगाने के बाद शाम को देना है। अगर मान लीजिए कबूतर अपने आप फीड नहीं कर रहा तो आप उसे हैंड फीड कराइए, हैंड फीड कराने के बाद सेम तरीके से आपको टैबलेट देनी है। सुबह शाम का कोर्स रहेगा भाइयों, सुबह आपको सेम बोरिक एसिड के पानी से आपको उसके जो पॉक्स हो रहे हैं उसको साफ़ करना है, उसके बाद क्रीम लगा देनी है उसको, सिप्लाडिन या बीटाडिन आपके पास जो भी हो, और टैबलेट दे देनी है। एक काम और आपको ज़रूर करना, होता क्या है कि जब कबूतर हमारा बीमार पड़ता है तो उसका जो पाचन तंत्र है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। कबूतर का पाचन तंत्र ना बिगड़े तो उसको आप कोई भी लीवर टॉनिक देते रहिएगा सुबह शाम, चाहे तो ब्रोटन दे दीजिए, लिफ्ट 52 दे दीजिए, जो भी आपके आसपास ईजिली मिल जाए, पानी में मिला के 5 ड्रॉप उसको पानी में मिला के दीजिएगा ताकि उसका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत रहे और जो भी वो खा रहा है उसके शरीर को लगे। 7-10 दिन का कोर्स है भाइयों, मैक्सिमम 4-5 दिन के बाद आपको इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और 10वें दिन तक तो कबूतर
फिट हो जाएगा आपका। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बगल वाले घंटी के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुँच जाए।